कोरोना की मार, कब मिलेगा रोजगार? प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट और नियुक्तियां अटकी। एक अरसे से लंबित हैं भर्ती परीक्षाएं। पचास हजार पदों की भर्तियों के पूरा होने का इंतजार। अप्रैल मई में होनी थी परीक्षाएं, कई बेरोजगारों को मिलनी थी नियुक्तियां। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले अभ्यर्थियों ने मांगे उठाई। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी शीघ्र नियुक्ति हो, इससे हम सरकारी काम आ सके। हमें जल्दी नियुक्ति प्रदान की जा सकती है, सरकार की मंशा है, लेकिन अधिकारियों की तानाशाही की वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहा है। जयपुर सांसद बोहरा ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में नियुक्ति का मामला उठाया। जल्दी से जल्दी उनको नियुक्ति दे ताकि आगामी जो नया सत्र चालू, शैक्षणिक सत्र चालू हो रहा है, उसमें शिक्षकों की कमी हो, पूर्ति हो। कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा, सरकार भर्तियों के मामले में गंभीर। कांग्रेस सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए प्रतिबद्ध है। और हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 70,000 नई सरकारी नौकरियों की घोषणा भी की। सीएम गहलोत ने भर्तियों को पूरा करने के लिए टाइम बाउंड दिशा निर्देश दिए। कब पूरा होगा रोजगार का इंतजार? सरकारी भर्तियों के अटकने का मामला पुराना है। अक्सर चुनाव से पहले भर्तियों का अंबार लग जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मामला लटक जाता है। बेरोजगार फॉर्म भरते रहते हैं और एग्जाम का इंतजार करते रहते हैं। कोरोना काल में तो ये संकट और ज्यादा बढ़ गया है। हजारों भर्तियां और नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। सरकार का दावा है कि जल्द भर्तियां होंगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर बेरोजगारों को नौकरी कब तक देंगे आप सरकार, और कब तक इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि नौकरी के वादे आखिर कब तक पूरे होंगे। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है, जो वादे चुनावों के वक्त किए जाते हैं वो वादे कब पूरे होंगे। दूसरा सवाल, भर्तियां अटकने के कारण कितने जायज? नौकरियां नहीं मिलती है उसके पीछे कई कारण गिना दिए जाते हैं, वो कारण कितने जायज हैं? क्या उन कारणों का, उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं? तीसरा सवाल, भर्ती बेरोजगारी पर सियासत कब तक? चलिए, तो कब तक बेरोजगारी के दंश राजस्थान के बेरोजगारों को, राजस्थान के युवाओं को झेलना पड़ेगा? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं जवाब देने के लिए। बीजेपी से जितेंद्र शिरमाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी बीजेपी से सवाल पूछेंगे, जवाब आरसी चौधरी जी को आज देने होंगे, सत्ता में हैं तो जवाब बनते हैं। उपेन यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। हर सरकार से सवाल पूछते आए हैं उपेन यादव जी, लेकिन इनके सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। आज फिर से उपेन यादव जी के सवाल हम रखेंगे दोनों के सामने। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है नारायण जी। सबसे पहले सर आपके पास आ रहा हूं मैं, उपेन यादव जी, क्या समस्या है आपकी? जी देखो, प्रदेश में 5 तरीके के मामले हैं। कुछ भर्तियों का जो परिणाम आ चुका है, चाहे एलडीसी भर्ती 2018 हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 हो,
उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है और कुछ कोर्ट में अटकी हुई पड़ी है। आरएस भर्ती 2018 हो, कर्ची प्रेक्षक हो, प्रयोगशाला सहायक हो, महिला सुपरवाइजर हो, वो कोर्ट में अटकी पड़ी है। इसके अलावा कई भर्ती परीक्षाएं होनी है, चाहे प्रयोग पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे वन रेंजर हो। और एक मामला 2013 का है, चाहे एनएमजीएम भर्ती हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी भर्ती हो। इसके अलावा तमाम ये भर्तियां 50,000 से ज्यादा भर्तियां लटकी पड़ी है। लेकिन एक सुगत सूचना, सुगत खबर बेरोजगारों के लिए आई है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे, संवेदनशील है। हालांकि आपने देखा होगा यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र में कह दिया गया साल भर तक वो भर्तियां नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही भर्तियों की मॉनिटरिंग की तो प्रदेश के बेरोजगारों में आज देखिए कहीं ना कहीं हमारी भर्तियां पूरी हो पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी खामी हम लगातार, आपने पहले भी एक डिबेट रखी थी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोरोना काल में भी आप बेरोजगारों की आवाज बुलंद कर रहे हो, क्योंकि खामियां अधिकारी छोड़ते हैं और भर्तियां लटक जाती है। एलडीसी भर्ती 2018 में भी 587 पद काट दिए गए और रीट 2020 की जो घोषणा हुई थी 24 दिसंबर को, आज तक न तो उसका विज्ञापन जारी हो पाया, नहीं उसका लेवल टू का पैटर्न का पता चल पाया। तो तमाम खामियां अधिकारी करते हैं। हम लगातार मांग कर रहे थे भर्तियों की मॉनिटरिंग हो, हमें राहत तब मिली कि मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग करें, लेकिन साथ में यह भी मांग करते हैं लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो और समयबद्ध भर्तियां हो। हमें आज देखी है, लेकिन हम निराश हो गए थे कि जब यूपी और महाराष्ट्र और हरियाणा की खबर सुनी कि साल भर तक भर्तियां नहीं होगी, लेकिन साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करते हैं कि उन राज्यों में भर्तियां नहीं होंगी तो राजस्थान में होने वाली भर्तियों में बाहर राज्यों का कोटा कम किया जाए, नहीं तो राजस्थान के बेरोजगारों हक मारा जाएगा। क्योंकि अब जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की थी, हम मांग करते बिजली विभाग में जो भर्तियां लंबित है, जो कई विभागों में भर्ती आनी है, तो ऐसे में राजस्थान के बेरोजगारों के साथ छलावा न हो, क्योंकि 21 से ज्यादा राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में अन्य राज्य वाले वहां नौकरियां नहीं निकाले तो राजस्थान में नौकरियां निकले, राजस्थान के बेरोजगार को नौकरियां मिले। इसके अलावा जो सेकंड गेट 2018 का कई जो मंडल आउंटन है नियुक्ति प्रक्रिया होनी है, वो कह रहे हैं कि साहब कोर्ट में मामला है, कोर्ट में कोई मामला है ही नहीं, अधिकारियों को उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। चाहे एलडीसी भर्ती 2018 माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 3 मार्च को मिले और उसके बाद प्रक्रिया हमारे पास हुई, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है वो मॉनिटरिंग करें। लेकिन थोड़ी सी जो आपके सवालों का जवाब मिलते हैं, पहले अन्य विभागों के पास मैं आऊंगा, पहले सारे सवाल मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर आरसी चौधरी जी आप सुन लीजिए, जवाब आपको ही देने सबके। जितेंद्र शिवाली जी, उपेंद्र यादव जी ने जो सवाल पूछे वो सवाल आपके लिए भी बनते हैं, सरकार आपकी भी रही है इससे पहले। आखिर बेरोजगारी, गरीबी, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो हर चुनाव में भुनाए जाते हैं, लेकिन आज तक ये दोनों ही मुद्दे समाधान इनका नहीं निकला है। देखिए, ये कांग्रेस की जो 55 साल की जो सरकार रही उसकी जो देन है, उसका हम खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं पूरा देश के अंदर। और हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो गरीब हटाओ का नारा देकर के कई वर्षों तक इस देश में शासन करने का विषय हो, और चाहे बेरोजगारी और रोजगार का विषय हो, मैं कहना चाहता हूं और उपेंद्र जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के 2018 के अंदर जो भर्तियां थी, उन जिन भर्तियों का रिजल्ट निकल गया था, जिन भर्तियों के लिए कोर्ट ने तय कर दिया था कि इनके सारे मामले कोर्ट के अंदर तय करके कहते अब तो सीधी खाली भर्ती होनी है, और वो जो कांग्रेस सरकार के अंदर, कांग्रेस सरकार के आते ही जिनका निवारण हो गया, कोर्ट के अंदर डिसाइड हो गई, उनको भर्तियां निश्चित तौर के ऊपर देनी चाहिए थी। चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक के 50,000 भर्ती वरिष्ठ अध्यापकों की हो, चाहे जेएनएम और एएनएम की भर्ती हो। मैं इनको बताना चाहूंगा, इनको भी शायद पता होगा कि जेएनएम और एएनएम की भर्ती जिनका रिजल्ट भी निकल गया और जिनको यह हो गया कि भाई आप ये रिजल्ट निकल के खाली नियुक्ति पत्र देना है, उन तक को नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। और इन कोरोना काल के अंदर जब पूरे राजस्थान के अंदर नर्सिंग स्टाफ की बेहद कमी है, उस समय भी इन्होंने कुछ लोगों को ही नौकरी दी है, और यह भी उनमें भी यह कहा है कि जो लोग पास हो गए, जिन्होंने परीक्षा पास कर ली और जिनको स्थायी रूप से नियुक्ति देनी थी, उनको भी संविदा के तौर के ऊपर उनको नियुक्ति दी गई है। यह सरासर राजस्थान के बेरोजगारों के साथ में अन्याय है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे 50,000 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती का मामला हो, चाहे जेएनएम एएनएम का मामला हो, चलिए आरसी चौधरी जी, रोजगार कब मिलेंगे साहब, कब तक इंतजार करना होगा? कोरोना काल तो अभी शुरू हुआ है 2 महीने से, इससे पहले क्या कर रहे थे और इसके बाद क्या करने वाले हैं आप? सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो सरकार को सदैव सजग रखता है, जागरूक रखता है और जनता की आवाज को मुखर करता है। आज आपने बेरोजगारों का जो मुद्दा उठाया, क्योंकि कांग्रेस 5 साल तक इस लड़ाई को लड़ती रही और इससे पूर्ववर्ती तमाम जो सरकारें थी, और आपने इसी 1 साल में आपने कहा कि सरकारें हैं जो अक्सर लास्ट के अंदर घोषणाएं करती हैं, सरकारें लास्ट के अंदर आके और घोषणाएं बम्पर कर देती हैं और फिर जब सरकार आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये सरकार अंतिम वर्ष नहीं है, इस सरकार का प्रथम वर्ष था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम जो 18-19 का जो 19-20 का जो बजट था
उसके अंदर 75,000 नौकरियों की घोषणा की, उसमें से 57,000 लोगों को रोजगार दिया। मुझे बेहद खुशी है उन्होंने, हमें इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, इस प्रदेश का जो युवा है जो अपने पसीने की गाड़ी मेहनत से, अपने माँ बाप की जो गाड़ी मेहनत है उससे जो कंपनी रोजगार दिया या नौकरी दी, रोजगार सरकारी नौकरियां दी है, रोजगार नहीं दिया, सरकार की नौकरियां दी है उसके अंदर 75,000। और जो मेरे बीजेपी के जो साथी कह रहे थे, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, वो छात्र नेता रहे हैं और जब भाजपा की सरकार थी 5 सालों कोर्ट में थे, छात्र नेता का एक जुनून होता है कि वो छात्र की हक हित के लिए पार्टी से ऊपर जाके भी बात करता है, लेकिन 5 साल वो आप मौन रहे और आज ये कह रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए 9,000 जीएनएम को नौकरी दी है। और हमारे जो उपेंद्र जी यादव हैं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने मुकदमे दर्ज हुए, जब वो तो बीजेपी के कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन भी नहीं कर पाते थे और उनकी कितनी बार सिर फोड़ा है, और आज संवेदनशील मुख्यमंत्री जहां पे पूरा प्रदेश, जहां पे देश, पूरी नहीं सर ये तो थैंक यू बोल रहे हो, कोई नहीं आता जी, तो आप भी थैंक यू बोल रहे थे आपको। नहीं नहीं ये देखिए ये इनका बड़पन है, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर हमारे ऊपर तलक क्वेश्चन होने चाहिए, तलक प्रश्न होने चाहिए, आपके भी होने चाहिए और जो दूसरे लोग हैं। और मैं तो ये भी गुजारिश, यादव जी तो सालों से चाहे सरकार जिसकी भी रही हो सालों से सवाल उठाते आए हैं, बेरोजगारों का मुद्दा उठाते हैं, मुझे तो लगता है सालों तक उठाते ही रहेंगे। नहीं नहीं सड़क पे उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सड़क पे उठाने की जरूरत तब पड़ेगी ना जब आपके संवाद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सड़क पे तब जाना पड़ता है जब आपसे संवाद की प्रक्रिया बंद हो जाती है। राजस्थान के युवाओं को कभी सड़क पे नहीं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटरिंग करते हैं, इससे गंभीर कोई चीज नहीं हो सकती, यहाँ पे नुमाइंदगी की जरूरत नहीं हो सकती। वजह क्या है, वजह क्या है, क्यों क्यों नौकरी क्यों इतने बेरोजगारी की इतनी विकट समस्या राजस्थान में क्यों है, क्यों परेशान है ये लोग? देखिए देखिए आपने कहा कि राजस्थान के अंदर ये बेरोजगारी की इतनी समस्या क्यों है, उपेंद्र जी ने एक बात कही कि 21 राज्यों के अंदर राजस्थान की युवाओं को नौकरियां नहीं देते हैं, यहाँ पे भारतीय जनता, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ, सुन लीजिए उसी का कह रहा हूँ मैं, यहाँ से 25 सांसद जीत के गए हमारे, वो 25 सांसद संसद में बैठते हैं और संसद देश की नुमाइंदगी करते हैं, हम तो उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर बेरोजगारों से हमदर्दी रखती है तो ये 25 के 25 सांसद एक स्वर में बोलने चाहिए संसद के अंदर कि अगर 21 राज्य राजस्थान के लिए दरवाजे बंद करते हैं तो राजस्थान भी इनकी नौकरियों के लिए दरवाजे बंद करेगा। ये 25 सांसद बोलने चाहिए जो संसद के अंदर बैठते हैं, हमारे राजस्थान से चुन के गए, राजस्थान की जनता ने चुना है, तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज उठानी चाहिए, उन्हें वहां पे कहना चाहिए 21 राज्यों के अंदर दरवाजे खुले ताकि राजस्थान के लोग जाए, संघीय ढांचे को बनाए रखें और देश के लोगों को, देश के युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं, नारायण भारत जी दरवाजे बंद ना करें। नारायण भारत जी देखिए ये लंबे चौड़े भाषण आप भी सालों से सुनते आ रहे हैं, हम भी सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन भाषणों का लब बोलो आप कोई समाधान निकलता आज तक दिखाई नहीं दिया है। नारायण भारत जी से संपर्क फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे ये जानना है सर, आरसी चौधरी जी देखिए नागालैंड की भर्तियों में 80% लोकल लोगों को मौका दिया जाता है, गुजरात, तमिलनाडु, तमाम जगह पर स्थानीय लोगों को ही मौका दिया जाता है, ये किसके पास अधिकार है कि कम से कम स्थानीय लोगों को मौका देने का कोई कानून, कोई संविधान तो लेकर आए, कोई विधान तो ऐसा बनाए कि स्थानीय लोगों को मौका मिले, राजस्थान के लोगों को मौका मिले? लेकिन ये देश एक संघीय व्यवस्था है और इस देश का हर व्यक्ति किसी भी राज्य के अंदर अपने आप को एक अपनापन का महसूस करे, इसलिए हम तो ये चाहते हैं पूरे देश के अंदर दरवाजे खुले रहने चाहिए, जो प्रतिभाशाली जो लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें हर राज्य के अंदर मौका मिलना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, दरवाजे खुलने की प्रक्रिया होनी चाहिए, मैं तो इसमें विश्वास करता हूं दरवाजे खुले। अब जब 21 राज्यों में राजस्थान के दरवाजे खुल दिए और उसको द्वेषतावश हम बंद कर दें तो ये आखिर मजबूर करने की परिस्थिति होती है, हम तो ये चाहते हैं कि उन 21 राज्यों में भी खुले दरवाजे और वहां पे हमारे युवा हैं वो। नारायण भारत जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास सर। नारायण भारत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से, संपर्क उनसे टूट गया था बीच में। नारायण भारत जी किस राज्यों में राजस्थानियों को बिल्कुल नहीं लिया जाता है, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, तो हमारे यहाँ पर क्यों? देखिए भारत में कोई कहीं भी रोजगार हासिल कर सकता है, एक राज्य अपने लोगों को प्राथमिकता देता है दूसरे के मुकाबले, ये कुछ राज्यों ने ऐसा चलन किया है, मेरी नजर में बहुत ठीक नहीं है, लेकिन आप तो स्थानीय उनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नुमाइंदे बैठे हैं, पिछले 7-8 साल में तकरीबन 2.5 लाख वैकेंसीज निकली है, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा 138 लाख के आसपास लोगों ने आवेदन किए थे, लेकिन वो भर्ती इम्प्लीमेंट नहीं हुए, कभी पेपर आउट हो गया, कभी किसी और वजह से हो गया। आप सोचिए कि जब ये लॉकआउट नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, उसके पहले हर दिन 30,000 लोग मार्केट में आते थे रोजगार मांगने, आप पहले 400 रोजगार दे रहे थे, बहुत बुरी स्थिति है। एक एक वैकेंसी पे राजस्थान में
कांस्टेबल की 5500 वैकेंसी निकली थी और आवेदन आया थे 17 लाख। आप सोच की कितनी बुरी स्थिति है, एक एक पोस्ट पे हजार हजार लोग दावेदार है। विधानसभा में कुछ पीएम की वैकेंसी निकली थी, एक पोस्ट पे 1000 आवेदक थे। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। इस लॉकडाउन के बाद जब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, ये संकट हमारा और बढ़ेगा। ये जो मेहरबान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे बैठे हैं, इनके करबद्ध प्रार्थना अगर अगर इन्होंने नीचे हैंडल नहीं किया और इसको राजनीति की, तो राजस्थान क्या पूरे भारत में सामाजिक राजनीतिक स्थिति। सर मैंने अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मैंने बात की और मुझे नहीं लगता इन दोनों के पास कोई ऐसा रास्ता है कि इन बेरोजगारों की समस्या का समाधान हो सके। देखिए, चुनाव के वक्त पर हम बहुत लंबे चौड़े भाषण सुनते हैं और हर चुनाव में उम्मीद बनती है कि इस बार तो कम से कम इन 5 सालों में तो कम से कम बेरोजगारी का यह दंश दूर होगा। कोई रास्ता नारायण बारिट जी आपके पास है जो आप इन दोनों को बता सकें, सुझा सकें, क्योंकि इनके पास नौकरी ना देने के बहाने हजार हैं, देने का एक कारण नहीं है। देखिए, अगर ये नहीं करेंगे तो इनके लिए बहुत बुरा होगा। एक तरीका मैं समझता हूँ ऐसा राजनीति करती है, जब किसी राजनीतिक प्रणाली के पास विकास और रोजगार का ठोस से कार्यक्रम नहीं होता तो फिर वो जज्बात का सहारा लेके उससे काम चला सकते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है, आप सोचिए करोड़ों लोग गांव में लौट रहे हैं और गांव में पहले खेती विफल हो चुकी है। 2011 की जनगणना में इतने आंकड़े आ चुके हैं कि अधिकांश किसानों ने कहा कि वो खेती नहीं करना चाहते। अब आप सोचिए कि शहर खाली हो रहे हैं, बच्चे अभियान है, कारखाने नहीं चल रहे हैं, खेती विफल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कैसे हैंडल करेंगे, ये सोच के लोगों से खड़े हो जाते हैं। और आईएमएफ ने कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है 1.9। जितेंद्र श्रीमाली जी, देखिए 15 लाख का वादा किया था आप लोगों ने नौकरी का, वो पता नहीं मिली या नहीं मिली, क्योंकि आज तक उपेन्द्र यादव जी आज तक टीवी डिबेट्स में आते हैं और एक ही मुद्दे के साथ ही बहस करते हैं, बात करते हैं, अपनी बात उठाते हैं। उन रोजगारों के लिए अब कांग्रेस के लिए कोई रास्ता आप बता दीजिए। देखिए सुमित जी, मैं आपको बता दूं, 15 लाख भर्ती का नहीं था, रोजगार सृजन का वादा था, बेरोजगार को रोजगार देने का वादा, परंतु ये भी शायद भूल गए। आरसी चौधरी साहब बता रहे थे बाद में से 15 लाख से बढ़कर 35 लाख तक पहुंच गए थे। अमित शाह जी ने अलग आंकड़े गिनाए थे, मदन लाल सैनी जी ने अलग आंकड़े गिनाए थे। नहीं, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, राजस्थान के घोषणा पत्र के अंदर, इन्होंने बताना शायद भूल गए या इन्होंने पढ़ा नहीं कि 2 लाख तो सरकारी नियुक्तियां सरकारी सेवाओं के अंदर नियुक्तियां देने का वादा करके कांग्रेस सरकार आई थी। और जहां तक ये बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार की बात कर रहे थे, इनको शायद ध्यान नहीं कि 4-5 महीने पहले कांग्रेस कार्यालय के बाहर जिस प्रकार से बेरोजगार बालिकाओं को, बेरोजगार महिलाओं को जिस प्रकार से निर्मम लाठीचार्ज कांग्रेस सरकार में किया गया, ये राजस्थान का बेरोजगार कांग्रेस सरकार को इस प्रकार से झूठ, मीडिया के सामने झूठ बोलने के लिए इनको माफ नहीं करेगा। चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास, मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। उपेन्द्र यादव जी, आरसी चौधरी जी, हाँ बिल्कुल उपेन्द्र यादव जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आरसी चौधरी जी, एक तो ये बता दीजिए इनकी समस्या का समाधान कब होगा, जो आपने वादे किए हैं नौकरी के, रोजगार के, कोरोना काल, ठीक है कोरोना काल के दरमियान भी क्या कोई, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही नियुक्ति दे दो साहब, नियुक्ति दे दो तो कम से कम इन्हें शांति मिल जाए। क्या कोरोना काल के दौरान कोई ऐसी प्रक्रिया है आपके पास, एक तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा, और दूसरा उपेन्द्र यादव जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है, आरसी चौधरी जी, इस सवाल के साथ उपेन्द्र यादव जी का सवाल भी ले रहा हूं मैं, समय की कमी है, दोनों सवालों का एक साथ जवाब दे दीजिएगा आप। उपेन्द्र जी, आरपीएससी के जो अध्यक्ष महोदय दीपक उत्पेदी जी बेरोजगारों से नहीं मिलते, एसआई भर्ती 2016 की आज तक एग्जाम नहीं, एएन जो एएन भर्ती मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम नहीं आया, लेकिन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा उनकी लापरवाही खिलाफ। और एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है, लॉकडाउन के कारण लाखों बेरोजगार जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते, वो कमरा किराया कहां से दे, कमरा किराए वाले उनको परेशान करेंगे, कमरा किराया दो तो बेरोजगार कहां से किराया दे। सरकार से मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, किराया माफ हो। एक पंचायत आएक जो बीजेपी सरकार ने कहा कि हम स्थायी करेंगे और आपने कहा आप स्थायी करेंगे, अब इसका रास्ता तो निकाल। चलिए आरसी चौधरी जी बता दीजिए जल्दी, चलिए उपेन्द्र यादव जी सवाल आ गया आपका, आरसी चौधरी जी जवाब दे रहे। मैं मेरे साथ उपेंद्र जी को बताना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी बताना चाहता हूं कि अगर 2 लाख नौकरियों का हमने वादा किया तो हमने तो पहले बजट के अंदर 57,000 लोगों को नौकरी दी है, 4 साल बाकी है, 2 लाख से ज्यादा देंगे। लेकिन आपने जो बेरोजगारी की दुर्दशा की है, आज
45 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी है, और मैं तो इस चैनल पे बैठ के बेरोजगारों के लिए चाहे मेरी पार्टी से लड़ना पड़े तो लड़ता हूं, लेकिन अभी तक लेकिन 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 बीजेपी का साथी किस प्रकार से जो बात बोल रहा है, मतलब मुझे लगता है कि बेरोजगारों की छाती पे पांव रखने का प्रयास करते हैं आपने 5 साल उनकी जो निर्मम जिस प्रकार चलिए 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 लास्ट कमेंट क्लोजिंग कमेंट नारायण भारत जी क्लोजिंग कमेंट इसी तरह झगड़े देखते रहेंगे हम लोग, कोई समाधान निकलेगा? नारायण भारत जी देखिए अभी शहरी आबादी थोड़ी बेरोजगारी 30% हो गई है, अगर आपने इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर दोनों में सृजन नहीं किया रोजगार का तो कानून व्यवस्था की बड़ी स्थिति होने वाली है। हमारे बच्चे जो खेती होने के बाद शहरों में आ गए, किसानों के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, अगर आपने अतिरिक्त मेहनत नहीं की तो इस देश को संभालना बहुत मुश्किल होगा। ये जो आक्रोश है ये सड़कों पे आएगा फिर आपके लिए बहुत कठिन होगा, इसलिए आवश्यक है कि आप एक नरेगा को स्ट्रेंथन करें रूरल इलाके में और शहरी इलाकों में नरेगा जैसा कार्यक्रम चलाएं, इसके साथ साथ जो बैकलॉग है भर्ती नहीं होने का वो भी आप ठीक से संचालित करें, तब जाकर के चलिए। शुक्रिया शुक्रिया सर, समय की कमी है, माफी चाहूंगा मैं और बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस उम्मीद यही है कि कम से कम उपेंद्र यादव जी और इनके जैसे जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाए, कोरोना काल का बहाना और तमाम बहानों को दरकिनार करके जिस उद्देश्य को लेकर सरकार सत्ता में आई है कम से कम उन उद्देश्यों को पूरा कर लिया जाए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र श्रीमाली जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, आरसी चौधरी जी कांग्रेस से, उपेंद्र यादव राजस्थान बेरोजगार एकीकृत के अध्यक्ष हैं महासंघ के, और वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारिट जी भी हमारे साथ जुड़े, बताया उन्होंने किस तरह से क्या रास्ता निकाला जा सकता है। आप चारों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो समस्या सिर्फ यही बेरोजगारी गरीबी, इनको लेकर सालों से राजनीति होती आई है और शायद होती रहेगी भी आने वाले बरसों बरस तक, लेकिन सिर्फ एक सवाल कि इनका निदान कब होगा, इनकी